अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ थ्री क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे और डेली बेस पे अपना काम लिखने के साथ साथ याद भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने स्टूडेंट बुक से अपनी सेकेंड एप्लीकेशन फॉर सिक लीव की रीडिंग की थी। आई होप सब बच्चों ने उसको याद करके ज़रूर लिखा होगा। तो आज हमने स्टूडेंट बुक से ही अपना नेक्स्ट काम करना है, दैट इज़ इन्विटेशन टू आंट टू स्पेंड वीकेंड विद मी। यानी कि आज हमने अपनी इनविटेशन नंबर टू इनविटेशन की रीडिंग करनी है। ये इनविटेशन आप अपनी आंट को लिख रहे हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये वीकेंड जो है वो मेरे साथ गुजारें। ठीक है, तो जल्दी से अपनी स्टूडेंट बुक निकालें और सेकंड इनविटेशन पे आज की डेट मेंशन करें। तो आज की डेट है 15/9/21। ठीक है, सब बच्चों ने डेट लगा ली। चले अब हम देखते हैं कि हमारी इनविटेशन का पैटर्न क्या होता है। स्टूडेंट, इनविटेशन हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम से, पेज के लेफ्ट साइड पे फ्रॉम, यानी कि वो पर्सन जो लिख रहा होता है वो अपना नेम यहाँ पे मेंशन करता है और अपनी जो इसकी मेल आईडी होती है, ईमेल आईडी, वो लिखता है @gmail.com। ठीक है, फ्रॉम का मतलब होता है की तरफ से, यानी कि ये इन्विटेशन किसकी तरफ से लिखी जा रही है, वो अपना नेम और अपनी ईमेल आईडी मेंशन करता है। अच्छा, टू कहते हैं किसको लिखी जा रही है, जो जिसको लिखी जा रही है उसका नेम और उसकी ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पर लिखी जाती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड लाइन पे आप हेडिंग देते हैं सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट का एस कैपिटल। अच्छा, सब्जेक्ट में आपने वो चीज़ मेंशन करनी होती है कि आपका क्या टॉपिक है इन्विटेशन लिखने का, आप किस टॉपिक पर इन्विटेशन जो है वो लिख रहे हैं। जैसे कि ये इनविटेशन है, इनविटेशन टू स्पेंड वीकेंड विद मी, कि मेरे साथ वीकेंड गुजारने का आप किसी को दावतनामा लिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले फ्रॉम ABC@ ये जो ए होता है ना, जो इस तरह करके होता है, ए लिख के तो सर्कल इस तरह बनाना होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं @ ठीक है, ABC@gmail.com। देन टू XYZ, यानी जिसको आप लिख रहे हो उसका नेम, @gmail.com। थर्ड पे सब्जेक्ट मेंशन करना है किस टॉपिक पे आप इनविटेशन लिख रहे हो, इनविटेशन टू स्पेंड वीकेंड विद मी। ठीक है, चले अब उसकी नेक्स्ट लाइन से आपने लिखना शुरू करना होता है होप यू आर वेल, होप उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगी, कॉमा आई एम इन्वाइटिंग यू टू स्पेंड वीकेंड विद मी विद माई फैमिली। मैं आपको ये वीकेंड हमारी फैमिली के साथ गुजारने का दावतनामा जो है वो लिख रहा हूँ या दावत दे रहा हूँ। कम एंड विजिट आवर विलेज, आए हो और हमारे गांव में सैर करें। प्लीज़ लेट मी नो ऑफ योर अराइवल डे एंड टाइम, मेहरबानी फरमा कर मुझे अपने आने का दिन और वक्त बता दीजिएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, आपका मुंतज़िर। ठीक है, आपका मुंतज़िर मतलब आपका इंतज़ार करूँगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, चलें एक दफ़ा और रीडिंग करते हैं इनविटेशन की और मेरे साथ सब बच्चे पढ़ेंगे। फ्रॉम में यानी कि जो पर्सन इनविटेशन लिख रहा है उसका नेम, यानी ABC@gmail.com। नेक्स्ट लाइन पे आप लिखेंगे टू, अब देखिए फ्रॉम का एफ, टू का टी और सब्जेक्ट का एस कैपिटल लिखना, उसके बाद आपने डॉट्स लगाना है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा टू में आएगा XYZ@gmail.com। देन थर्ड लाइन पे सब्जेक्ट, इनविटेशन टू स्पेंड वीकेंड विद मी, होप यू आर वेल, कोमा लगाएंगे, आई एम इन्वाइटिंग यू टू स्पेंड वीकेंड विद माई फैमिली, कम एंड विजिट आवर विलेज, प्लीज़ लेट मी नो ऑफ योर अराइवल डे एंड टाइम, लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। तो क्लास थ्री, ये था आपका आज का काम। बच्चों, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करके एक दफ़ा ज़रूर रिटन प्रैक्टिस कर लेनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट काम करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।